Hi friends, welcome to Magic of Cooking. Again I have today is Spandana Mehta. Thank you. Hi Spandana. Hi. What are you going to show special today? Today there's something like a paratha, not exactly a paratha, something that you can carry for a picnic. Okay. And we call it chanki, or you maybe call it khara rotla. What do you call it? Chanki. Chanki, Gujarati names are a little difficult to remember. But okay. Once you get the taste of it, I'm sure you're going to remember it. I can see the glow in your eyes, the way you're telling me. It's tikka and meetha mix. Okay. Yes, so it's made of what? It's made of wheat flour and bajre flour. Okay, again healthy. Again healthy. Good, good, good. Yes. And you can take it for traveling also. Okay. So let's go and start. We can eat in the nashte. पिकनिक पे जाए तभी भी लेके जा सकते हैं. इट्स वेरी फिलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल एंड हेल्दी टू. हियर आई एम यूजिंग ऑलमोस्ट 2 स्पूनफुल ऑफ व्हीट फ्लावर, लिटिल बाजरे का आटा. लिटिल, यस, बिकॉज देन रोलिंग इट बिकम्स अ प्रॉब्लम इफ वी हैव टू मच ऑफ बाजरे का आटा. ओके, सो लगभग 2 चमचे बड़े लिया है तो ये मैं आधा चम्मच ले रही हूँ. ओके, बाजरे इसमें मॉइल अच्छे से चाहिए हमको. Okay. So one is oily. I'll be using which oil you're using? I'm using tel ka tel. Okay. You can use healthy. You can use whatever you like. Mm. So say approximately 2 tablespoons. Okay. I'm using. So I'll be using salt. Salt. As per your taste, of course. Haldi powder. Okay. Mirchi powder. I'm using garlic over here. That is optional. Crushed garlic. स्पेशल चीज ये है दैट आई हैव यूज्ड हाफ बाटी ऑफ कर्ड. कर्ड, हाँ. एंड आई हैव पुट ऑलमोस्ट लाइक से 2 टेबलस्पून ऑफ गुड़. ओके, एंड ये मिक्स करने के बाद. लेकिन गुड़ मेल्ट किया है क्या? हाँ, मैंने इसीलिए दही में डाल के रखा था. अगर सॉफ्ट गुड़ है तो इट डजंट टेक लॉन्ग. ओके, तो इट मेल्ट्स ऑन इट्स ओन. या सो आटा तक जहाँ तक हो सके मैं इससे गूनूंगी. सो आई एम जस्ट एडिंग दिस राइट नाउ एंड आई यूज वाटर एज रिक्वायर्ड. इसकी बात यह है कि आपको ना ये बना के ज्यादा देर आटा गूंद के रखना नहीं है. ये हम चपाती जैसे बनाएंगे, बड़ा पराठा टाइप. एंड ऑल व्हाट यू कैन डू, मेक स्मॉल बॉल्स एंड यू कैन मेक पूरीज आउट ऑफ. इसमें तीखा हमने लाल मिर्ची पाउडर डाला है. आप चाहें हरी मिर्ची. हरी मिर्ची एंड अदरक इट इज ना. हाँ, यस. एंड सॉल्ट. दूसरा एक स्पेशलिटी मैं दिखाना चाहूँगी, ये हमारा गुजराती लोगों का अचार है. इसे मेथी मैंगो का पिकल है. ओके ओके, तो इसमें मेथी का जो मसाला हम बनाते हैं वो हमारा मसाला है प्लस दिस ऑयल. ओके ओके, तो आई एड अ लिटिल. So this gives that achari effect. Yes. It becomes more tasty. Tasty. And एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो है अजवाइन. हाँ, that is a must. Yes, because बाजरा यूज कर रहे हैं. Yes. So we put a little अजवाइन in this. Okay. We have to be very careful while adding it, while adding water. So very little water. एंड ये जो अचार हम बनाते हैं ना उसका ड्राई मसाला आपको किराने वाले के यहाँ पे मिल सकता है. सो इन केस यू डोंट हैव दिस अचार यू कैन यूज दैट मसाला. वी कॉल इट मेथी मसाला. ओके, इट्स ड्राई. वो तो हम खाने के साथ प्लेन थेपला जो बनाते हैं उसके साथ भी हम खा सकते हैं. खट्टा खट्टा अचार का. यस, एंड इट हैज हींग इन इट, सो इट गिव्स अ वेरी नाइस. हाउ डू यू यूज दिस? सी, व्हेन आई मेक माय गुजराती दाल, जब लास्ट बॉईल हो जाता है और गैस बंद करने से पहले आई पुट 1 टीस्पून ऑफ दिस इन माय दाल एंड जस्ट एक बॉईल एंड आई पुट ऑफ द गैस. सो इसका देखो मैंने सॉफ्ट डो नहीं बनाया है क्योंकि हम और 10-1 मिनट जाएगा तो उस समय यू कैन यू नो स्मूदन इट अप. टेक अ लिटिल ऑयल एंड स्मूदन इट अप एंड देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग इट. एंड थोड़ा उसको मोटा रखना है, एकदम पतला नहीं. ये ऑयल लेके थोड़ा सा इसको हम अच्छे से मस लेंगे विदाउट यूजिंग वाटर क्योंकि अगर ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो बेलने में तक. अब हम शुरू करते हैं. जैसे हमने आटा जस्ट थोड़ी देर पहले गूंद के रखा हुआ है,
tawa garam ho chuka hai, so now I'll put it on the tawa. Just let it cook for some time. अच्छा इसको आप घर पे खा रहे हो नाश्ते में तो आप मक्खन के साथ खाओ, घर का मक्खन ना, आई डोंट मीन अवल बटर. ओके, घर का निकाला हो जो नाश्ते में ब्रेकफास्ट. ओ द स्मेल हैज कम ऑलरेडी, मस्त एकदम. स्पंदना ये खा के आप बोलो यू वोंट नीड एनी छुंदा, नो अचार, कुछ नहीं. बच्चे के लिए तो ये एक इनफ है. यस. सो आशा जी, गरम गरम चानकी अने ताजू काढ़ेलू माखन. जय हो जय. सो हियर इट गोस. थैंक यू. मक्खन के साथ, अचार के साथ. The achar is also yummy. और ये आपका ये जिंजर के साथ. मस्त. And the paratha has come very good, very good. Thank you so much. Thank you so much. मस्त एकदम. Thank you, Spanna. Thank you.